लो एक मेरी पकड़ लो एक तुम पकड़ लो। नहीं मिला भैया कोई से। आपको महामहिम राष्ट्रपति के नाम हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है और उसमें मांग की है देश के नागरिकों को हर दिन 1 करोड़ वैक्सीनेशन और यूनिवर्सल मुफ्त वैक्सीनेशन किया जाए, ये हम लोगों ने मांग किया है। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार देश के नागरिकों की सुरक्षा को अनदेखी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट भी लगातार केंद्र सरकार को फटकार लगा रही है, सचेत कर रही है, उसके बाद भी नहीं जाग रही है। जो विदेशों में 6,63,00,000 वैक्सीनेशन भेजा गया जबकि हमारे देश में वैक्सीनेशन की कमी है, इसीलिए हम मांग करते रहे। केंद्र सरकार कहती है वन नेशन वन मार्केट की जब बात होता है तो मुफ्त में यूनिवर्सल मुफ्त वैक्सीनेशन भी होना चाहिए, ये हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति से मांग की है। मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहिए कि यहाँ 18 साल से 45 साल की उम्र वालों के लिए जब केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए अपने दोनों हाथ खड़ा कर दिए तो मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया, उसके लिए जो आवश्यक धनराशि होगी लगभग 1,000 करोड़ रुपया उसकी व्यवस्था कैसे की जाए और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लगभग 1,50,00,000 वैक्सीन की ये जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड के लिए हम लोगों ने ऑर्डर भी जारी किया हुआ है, लेकिन केंद्र की वैक्सीन प्रदान करने की जो नीति है 50% और 45% से अधिक वालों के लिए सुरक्षित रखती है, शेष 50% को राज्यों को अपने हिसाब से वो बंटवारा कर रही है और बाहर की कोई भी कंपनियां केंद्र के बगैर मध्यस्थ किए हुए राज्यों को सीधा वैक्सीन देने में अभी अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं। इसलिए ये जो नीति है केंद्र की नीति, उसके कारण न केवल छत्तीसगढ़, हमने देखा विभिन्न राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों ने भी केंद्र से आग्रह किया है। इसलिए आज के हमारे महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने का आशय भी ये है कि केंद्र में एक नीति बननी चाहिए, केंद्र सरकार को जैसे संघ हमारा देश का उस तरीके से अपनी व्यवहार करना चाहिए और राज्यों के लिए भी वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने के लिए ऑर्डर करना चाहिए, प्रदान करना चाहिए। पैसा इसमें कोई बहुत मुद्दा नहीं है, छत्तीसगढ़ सरकार का तो 10,000 करोड़ से ऊपर की राशि केंद्र सरकार के पास GST में जमा है, हमें वैक्सीन चाहिए और केंद्र सरकार इसमें मदद क्यों नहीं कर रही है, इसलिए आज हम लोगों ने ज्ञापन महामहिम के माध्यम से दिया है।